नमस्कार स्टूडेंट, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट ME 203 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस पे है। यूनिट है इंसुलेटिंग मटेरियल और टॉपिक इसके अंदर लिया गया वो है कोर्क एंड पफ। जो इंसुलेटिंग मटेरियल हैं इनको, इनके बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं कोर्क। कोर्क ये एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कोर्क ओक करके एक जो पेड़ होता है उसकी प्रजाति है क्योरकस सुबर, उससे प्राप्त होने वाली छाल है। ये छाल से यानी ओक का जो पेड़ होता है, बलूत का पेड़ भी जिसे बोलते हैं, उसकी छाल जो इस डायग्राम में भी आपको दिखाई गई हुई है छाल, इससे बनाया जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्ब होती है। हनीकॉम्ब का मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है बनावट में, वैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है जिनके बीच में एयर ट्रैप रहती है। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो 90% वॉल्यूम तक है लगभग वो एयर से भरा रहता है। कोर्क है ये इलेक्ट्रिकल, थर्मल तथा ध्वनि तीनों का अवरोधक पदार्थ है। तीनों को ही इसको, इनको ये रोक सकता है, इसलिए तीनों के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल है। इलेक्ट्रिकल का भी है, ऊष्मा का भी है और ध्वनि का भी है। ये बहुत ही उपयोग में आने वाला पदार्थ है। इसका जो उत्पादन किया जाता है वो जो कोर्क ओक पेड़ होता है उससे किया जाता है, जो जिसके लिए उसे काटना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसकी छाल को, जो ओक के पेड़ की छाल उतार ली जाती है, फिर कुछ समय बाद वो छाल फिर उगाती है, फिर उतार ली जाती है। तो इसको, इसके लिए इसे काटना नहीं, पेड़ को काटना नहीं पड़ता है, इसलिए ये एक इको फ्रेंडली मटेरियल भी है, साथ में सस्टेनेबल भी है। ठीक है, क्योंकि ओक का जो पेड़ है उसकी आयु लगभग 300 सालों तक होती है और उसको काटने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके छाल उतारते रहो, कोर्क का प्रोडक्शन हो जाता है। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये कोर्क का जो ओक है उसका पेड़ है और उससे कोर्क शीट वगैरह, डार्ट वगैरह, इसके जो मटेरियल है, अदर जो एप्लीकेशन है उसमें काम में लिया जाता है ये प्रोसेस करके। इसकी गुणधर्म देख लेते हैं। इलास्टिक तथा लचीला, यानी प्रत्यास्थ व लचीला होता है, वजन में हल्का होता है, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि अधिकतर इसमें आपको बताया था कि हवा है वो भरी रहती है, जो इसकी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है उसमें छोटे छोटे छिद्रों में क्या है, हवा भरी रहती है, इसलिए इसका वजन है वो हल्का रहता है। इसमें थर्मल, इलेक्ट्रिकल व एक्यूस्टिक इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। इम्पेरिएबल है, अभेद्य है, मतलब इसमें से गैस या लिक्विड वगैरह पास नहीं हो सकता। मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है तथा टिकाऊ भी होता है। हाइपो एलर्जेनिक भी होता है। हाइपो एलर्जेनिक का मतलब है कि जो डस्ट वगैरह है इनको अब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए इसका जो एप्लीकेशन है फ्लोर बनाने में, मकानों का जो फर्श है वो बनाने में, दीवार पे लाइनिंग करने में। ठीक है, तो धूल वगैरह को भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, साथ में ये थर्मल इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन इनका भी, एक्यूस्टिक इंसुलेशन का भी कार्य ये करता है। इसको जो टेम्परेचर है यूज किया जा सकता है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे यूज कर सकते हैं। अब इसके प्रयोग तो आपको बताया गया है, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग बनाने में, मशीनों के लिए एंटी वाइब्रेशन बनाने में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें सीलिंग सॉल्यूशन बनाने में, अक्यूस्टिक व नॉइज रिडक्शन में, आवाज़ को, ध्वनि प्रदूषण को कम करने में, एंटी स्लिप इंपैक्ट रेजिस्टेंट सोक अब्जॉर्बिंग एप्लीकेशन में भी इसका प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिकल जो स्विच गियर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर सम्प है, क्रेन केस कवर इत्यादि बनाने में, बोतल स्टॉपर बनाने में, जो आपने देखा होगा पहले जो बोतलें आती थी उन पे जो ढक्कन, लकड़ी का एक जो ढक्कन आता था उसको खींच के निकालना पड़ता था हुक डाल करके, वो इसी कोर्क का बना होता था। ठीक है, तो आपको ये बताया भी थी प्रॉपर्टीज़ की, इम्पेरिमेबल अभेद्य होता है, मतलब लिक्विड या गैस इसमें से पास नहीं हो सकती, इसलिए इसकी डार्ट जो है वो वाइन स्टॉपर या बोतल स्टॉपर के रूप में भी इसे प्रयोग में लिया जाता है। साथ में ये नेचुरल फायर रिटार्डेंट है जिसकी वजह से इसको थर्मल इंसुलेशन है, हाउस वॉल्स वगैरह, फ्लोर, छत वगैरह इत्यादि के इंसुलेशन में भी किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है पफ, जिसे कहते हैं पॉलीयूरेथेन फोम। ये सब आपका देखा हुआ है जो घरों में सोफ़ा वगैरह है, बेड में जो गद्दे आते हैं वो जिस फोम के बने आते हैं, वो स्पंजी टाइप का जो होता है वो ये पॉलीयूरेथेन फोम है, जो एक प्रकार का
थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, यानी प्लास्टिक में ये आता है थर्मोसेटिंग। इसकी थर्मोप्लास्टिक ग्रेड भी है, थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर भी इसका बनाया जा सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में भी बनता है, ठीक है। मुख्यतः ये किससे बनाया जाता है, आइसोसाइनेट तथा पोलियोल के पॉलीमराइजेशन से इसको बनाया जाता है, जो क्रूड ऑयल से मिलते हैं, ठीक है। इसकी कुछ ग्रेड ऐसी भी होती है जो फायर रेजिस्टेंट भी होती है, जो हाई टेम्परेचर पर भी फायर, जिनमें आग नहीं लगती है, अलग अलग ग्रेड में बनाया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, पोरस स्ट्रक्चर होती है यानी छिद्रदार, ठीक है, आपने सबने देखा हुआ है उस इस फोम को। लोड को भी यह सहन कर लेता है, और जो इसकी टेम्परेचर रेंज है जिस पे इसको प्रयोग किया जा सकता है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर के लिए थर्मल इंसुलेशन के लिए सूटेबल है। मोस्टली इसे लो टेम्परेचर के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लेमेबल भी होता है। जो इसकी एक ग्रेड आती है वो डिफरेंट है, जो फायर रेजिस्टेंट होती है, लेकिन जो नॉर्मल जो आता है फोम पफ, वो फ्लेमेबल होता है, इसलिए इसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर के इंसुलेशन के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते। लो टेम्परेचर जैसे फ्रिज वगैरह है, एयर कंडीशनिंग है, ठीक है, फ्रीजर होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनकी वहाँ पे जो हीट गेन है उसको रोकने के लिए इसको, ताकि बाहर के जो एनवायरनमेंट की हीट है वो अंदर नहीं आ जाए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, इसलिए वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसके यूजेस भी देख लेते हैं, आपको बता भी दिए हैं। बिल्डिंग इंसुलेशन में, बिल्डिंग को भी इंसुलेशन करने में भी प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रीजर्स में, फर्नीचर वगैरह आपने देखे हैं इसके बनाए जाते हैं, बेडिंग, फुटवियर, ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, कोटिंग, एडहेसिव इत्यादि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट।